श्री अकाल फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए योगा के लिए कुछ आसन लाया हूँ जिससे आपकी हाइट इंक्रीज हो सके। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस योगा को जरूर फॉलो करें। कहता हूँ कि आपको ये योगा स्टेप्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है और वीडियो पसंद है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो देख एडवांस में कह देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। सो लेट्स सी दी वीडियो। पहला आसन ताड़ासन। ताड़ासन को करने के लिए सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों पैर को आपस में मिलाकर अपने दोनों हथेलियों को अपने बगल में रख लें। फिर पूरे शरीर को सीधा रखें और अपने शरीर और दोनों पैरों का वेट बराबर रखें। उसके बाद दोनों हथेलियों की उंगलियों को मिलाकर सिर के ऊपर ले जाएं। हथेलियों को सीधे रखते हुए धीरे धीरे सांस लें और अपने ऊपर हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। इससे आपके कंधे और छाती में भी एक अजीब सा खिंचाव आएगा और इसके साथ में अगर आप चाहे तो पैरों की एड़ी को भी ऊपर उठा सकते हैं और उंगलियों में अपना संतुलन बनाए रखें। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहे और फिर सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। आप इस आसन को डेली 8 से 10 बार दोहरा सकते हैं। इससे रीढ़ की हड्डी, छाती, कंधों की मांसपेशियां खींचती है और लंबाई बढ़ने में सहायक होती है। पश्चिमोत्तान आसन के लिए सबसे पहले आप जमीन पर बैठ जाएं और उसके बाद अपने पैरों को आगे को करें और हाथों को आगे की ओर झुका देकर पांव के अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करें। इस आसन को कई बार दोहराएं। इससे आपकी कमर की मांसपेशियां, पीठ की मांसपेशियों को एक नई ऊर्जा मिलेगी और रीढ़ की हड्डी में खिंचाव लाने के लिए कारण यह आसन लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। तीसरा आसन भुजंग आसन। भुजंग आसन को करने के लिए सबसे पहले उल्टे होकर पेट के बल लेट जाए, अपने एड़ी और पंजे को मिला लें। अपनी कोहनी आपके कमर से सटी हुई हो और हथेलियां ऊपर की ओर हो। अब हाथ की कोहनियों से मुड़ते हुए धीरे धीरे लाए और हथेलियों को अपने बाजुओं के नीचे रख दें। फिर ठोड़ी को गर्दन में दबाते हुए सिर भूमि पर रखें और फिर नाक को भूमि से छूते हुए सिर को आकाश की ओर उठाएं। जितना हो सके उतना सिर को उठाएं और छाती को बिल्कुल पीछे की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन नाभि भूमि से लगी रहे। 20 सेकंड तक इस सिचुएशन में रहे और बाद में फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आप जमीन में ले आए और ये प्रक्रिया बार बार दोहराते रहे 8 से 10 बार। हाइट बढ़ाने के साथ साथ इस आसन से रीढ़ की हड्डी व कमर को काफ़ी फायदा होता है और बच्चों की पाचन क्रिया भी तंदुरुस्त रहती है। इस आसन को भी 8 से 10 बार दोहराने से आपको काफ़ी फायदा होगा हाइट इंक्रीज करने में। दोस्तों, रोज़ाना योग अभ्यास करने से हमारा शरीर तनाव मुक्त रहता है और इससे हमारी बॉडी तो स्वस्थ रहती ही है और साथ में ये हमारी हाइट को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। योग हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स को तेज़ी से बढ़ाता है और आप इस योग एक्सरसाइज की रोज़ाना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको या आपके बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। मैं आगे भी इस वीडियो को और लेकर आऊँगी बच्चों से जुड़ी कुछ योग अभ्यास के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए मेरी सारी वीडियोस। टिल नाउ, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।